हेलो, पहले तो सभी लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप डॉक्टर साहब देता हूँ कि जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और जो है मैं स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ। मैं 2 साल से अंग्रेजी दवाएं कर रहा था जिससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था और खाने पीने में मुझे बहुत रोक टोक होती थी। आलू नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये टैबलेट खाना वो बंद करना। मैं दवाइयाँ इतनी मेरे घर पे थी कि मैं बहुत परेशान हो गया था दवाइयों खाते। अब मैं ये सोचता कि क्या मैं पूरी जीवन भर दवाइयाँ खाऊँगा, इतनी इतनी दवाइयाँ। इसकी वजह से जीवन जीने की जो आशा होती है वो एकदम ख़त्म हो गई थी मेरी। मुझे लगता था कि कब मैं मर जाऊँगा मुझे पता नहीं, और जो है कि मैं अपने ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गया था। मैंने कहा कि अब फेक वीडियो हो, कोई कमाने खाने के लिए ये सब कर रहा, तो मुझे कुछ ये लगा कि यार चलो यार पैसा तो मैं बर्बाद कर ही रहा हूँ अंग्रेज़ी दवाओं में, थोड़ा एक बार इनका भी ट्राई मार लेता हूँ। कुछ दिन तो मैंने दवा किया, धीरे धीरे इतना अच्छा रिस्पांस मिलने लगा तो फिर मैंने इनकी नियमित दवा जो है मंगानी शुरू कर। तो मेरा 2-3 महीने इलाज होने के बाद आज की डेट में मेरा कोई शुगर नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि फेक वीडियो, उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी सिर्फ एक बार डॉक्टर साहब की दवा कर लें, क्योंकि मैं जानता हूं कि डॉक्टर साहब की दवा जो है वाकई में बहुत अच्छी है। आप जो है नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं और कोई जो है अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं कराते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आपको नेचुरल चीज़ें ही बताएंगे, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया, वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है। तो उस वक्त चीनी मेरा था 530, तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा। दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24, एक डेली सुबह में खाते थे। लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई, तो अब ठीक हो जाइएगा। तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचे हम, एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर की मेरे आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाएं हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है, हम चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आपका रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फ़ायदा है, एक तो चीनी मेरा ख़त्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी।